स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ONGC स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों ONGC के तरफ से सेशन 2024-25 के लिए स्कॉलरशिप है वो अनाउंस हो गया है और फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। सभी लोग इस साल यानी 2024 में एडमिशन लिए हैं, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर मास्टर डिग्री के कोर्स में MBA कर रहे हैं, या फिर जियोलॉजी और जियो फिजिक्स कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 50% रिजर्वेशन है वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होता है और आपको 48,000 रुपये है हर साल आपको सिलेक्शन होने के बाद मिलता है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है वो 2000 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, जिसमें 1000 जनरल से, 1000 OBC से और SC ST से 1000 स्टूडेंट हो। अगर आप इस स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं तो आपका 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए और जो PG लेवल के स्टूडेंट होंगे उनका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। इनकम लिमिट के बारे में बात करें तो SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका 4.5 लाख रुपया एनुअल इनकम का लिमिट है और जो जनरल EWS से हैं, OBC से हैं, उनका लिमिट है वो 2 लाख रखा गया है। 2 लाख तक अगर आपका एनुअल इनकम है तो आप इस स्कॉलरशिप को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट है वो आज 1 अगस्त 2024 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2024 तक रखा गया है। स्कॉलरशिप भरने के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई स्कॉलरशिप का एक लिंक है वो मिल जाएगा। नीचे में आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सारे कैटेगरी का अलग अलग लिंक है वो दिया गया है और UG PG जो UG लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे वो UG सिलेक्ट करेंगे और जो PG वाले होंगे वो PG सिलेक्ट करेंगे। सपोर्ट डेट कोई अगर इंजीनियरिंग मेडिकल वाले हैं तो वो UG सिलेक्ट करके ही फॉर्म अपना फिलअप करेगा। दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देखोगे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है उसको आपको अपलोड करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको एडमिशन का रिसिप्ट है वो अपलोड करना है, अप्लीकेंट का इमेज है, कास्ट सर्टिफिकेट है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ एज है, उसके बाद में क्लास 12th का मार्कशीट है, डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज है, कॉलेज का आईडी कार्ड है, सेल्फ अंडरटेकिंग है, ECS फॉर्म है, ये सारे मैंडेटरी है तो वो आपको हर हाल में अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। इसके बाद में पैन कार्ड है वो मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद में जो PG लेवल के स्टूडेंट होंगे उनका ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी होना चाहिए। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करके रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो फिलअप करना होगा 10th और 12th का। बैंक अकाउंट के बारे में बताया गया है कि सेविंग्स अकाउंट है वो होना चाहिए, जिसमें आपको माइनर अकाउंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाद में कॉलेज का लिस्ट है वो दिया गया है, आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज का नाम है वो चेक कर ले, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलिंग है वो कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो दिया गया है, डिक्लेरेशन को डाउनलोड करते हैं। तो ये अंडरटेकिंग है वो कॉलेज से आपको बनवाना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में आपको अपना नाम है वो फिलअप करना है, उसके बाद फर्स्ट ईयर इन आपका जो भी कोर्स है, BTEC कर रहे हैं तो आप BTEC डालेंगे, MBBS कर रहे हैं तो MBBS डालेंगे। उसके बाद में जो भी आपका स्ट्रीम ब्रांच है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, एकेडमिक ईयर कौन सा है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है या फिर एडमिशन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में कॉलेज में जो भी प्रिंसिपल है, रजिस्ट्रार है या फिर एकेडमिक हेड है उसका साइन मुहर यहाँ पे करवा लीजिए। नीचे में आपको डेजिग्नेशन नेम मोबाइल नंबर सब फिलअप करना है, इसे फिलअप करने के बाद आपको PDF बना के अपने पास रखना है। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट का अंडरटेकिंग देना है तो इसे हम डाउनलोड करते हैं। दोस्तों इसे स्टूडेंट के द्वारा फिलअप करना है, नीचे में आप अपना नाम, फादर्स नेम है वो फिलअप कर दीजिए, यहाँ पे आपका जो भी कोर्स है या स्ट्रीम है वो फिलअप कर दीजिए, उसके बाद में कॉलेज का जो नाम है वो फिलअप कर दीजिए, नीचे में आपको अपना साइन कर देना है और ये डिटेल वगैरह है, मोबाइल नंबर नेम है वो सारा आपको अच्छे से फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको स्कैन करके PDF बना करके आपको अपने लैपटॉप में रख लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप के लिए आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम पूछ रहा है तो फर्स्ट नाम लास्ट नाम जो भी है वो फिलअप कर दीजिए, जेंडर है, कैटेगरी है, सिटीजनशिप है, उसके बाद में मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपको ध्यान से फिलअप करना है, गलत नहीं भरेंगे, गलत भरोगे आपको एडिट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर आप पछताते रहोगे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप करना है, फादर्स नेम है वो फिलअप कर दीजिए, आपका फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और एनुअल इनकम फैमिली का कितना है
वो आपको फिलअप करना है इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जितना का सर्टिफिकेट है आपको उतना ही यहाँ पे फिलअप करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है, यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों फिलअप करना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप बॉक्स में टिक आउट करके आप फिलअप कर सकते हो, आपको एड्रेस अच्छे से भरना है। मैं बस बताने के पर्पज से फिलअप किया हूँ, तो मैं अच्छे से नहीं किया हूँ, आपको सारा डिटेल अच्छे से करेक्टली है वो देना है। उसके बाद में जब फिलअप हो जाए तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहा है, तो आपको ड्रॉप बॉक्स में सारे कॉलेज का नाम दिया गया है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉलेज का एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे में आपको डेट ऑफ एडमिशन पूछ रहा है, किस दिन आपका एडमिशन है वो फिलअप कर दीजिए। आपका इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, यस नो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका कोर्स कौन सा था, तो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। आपका स्ट्रीम कौन सा था, स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में एकेडमिक टाइप किस तरह का है, सेमेस्टर है या फिर एनुअल है, तो आपको सेमेस्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ नीचे में आपको 10th 12th का डिटेल्स है वो फिलअप करना है। आपको यहाँ सबसे पहले पास आउट ईयर है, किस साल आप पास हुए वो आपको यहाँ फिलअप करना है। स्कूल का नाम है, बोर्ड का नाम है, स्टेट का नाम है, कोर्स पार्ट टाइम था फुल टाइम था वो दे दीजिए। आपका ग्रेडिंग है वो CGPA में हुआ है या फिर मार्क्स में हुआ है वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो फिलअप करना होगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, आपका जिस भी सब्जेक्ट का आपका नाम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना मार्क्स है वो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से सारे सब्जेक्ट का थ्योरी और प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो फिलअप करना है और बगल में आपका परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मे भी आपका बहुत सारा सब्जेक्ट है वो मिसिंग रहे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड दिया गया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कोर्स है तो उसका नाम दे करके आप अपना सब्जेक्ट का एंट्री है वो कर सकते हैं। उसके बाद में जब सारा फिलअप हो जाए तो आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स और परसेंटेज है वो फिलअप हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 12th का भी सारा डिटेल है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे मार्क्स ब्रेकअप है वो आपको अच्छे से फिलअप करना होगा। यहाँ पे 12th का सारे सब्जेक्ट का थ्योरी और प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो आपको अच्छे से फिलअप कर देना है। आपको 12th में दिक्कत नहीं होगा, 12th का सारा पेपर है वो डाला हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश का जो भी इलेक्टिव है वो दिया हुआ है, वो आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। बस 10th वाले में दिक्कत है, तो 10th का आपको कोई मिलता जुलता सब्जेक्ट है उसे डाल करके आप अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो आप अपने जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग सारा मार्क्स है वो अच्छे से मैच कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो दोस्तों टोटल इस तरह से सेव हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे शो करने लगेगा सारा मार्क्स का डिटेल परसेंटेज है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप एप्लीकेंट को किसी दूसरे सोर्स से फाइनेंशियली सपोर्ट या स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ECS फॉर्म है वो फिलअप करना है। दोस्तों सबसे पहले आप अपना बैंक का नाम है वो जो भी बैंक आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आपको बैंक का ब्रांच है वो फिलअप करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बैंक का एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए, बैंक का टेलीफोन नंबर, हो सकता है आपके पासबुक पे है, नहीं होगा तो आप गूगल के सहारा लेकर के अपना फिलअप कर सकते हैं। बैंक का 9 डिजिट का कोड होता है जिसे हम लोग MICR कोड बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे IFC कोड है वो फिलअप कर दीजिए। बैंक का अकाउंट किस टाइप का है, ज़्यादातर का सेविंग अकाउंट होता है तो सेविंग सेलेक्ट करके नीचे में आपको अपना अकाउंट नंबर है वो फिलअप कर देना है। ऊपर में आप सारा डिटेल सही सही फिलअप कर दोगे तो यहाँ पे डाउनलोड ECS का एक लिंक है वो जनरेट होगा। आपको ये ECS फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देखोगे जो डिटेल आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल इस पर प्रिंट रहेगा। इसे आपको लेकर के जाना है आपका जहाँ पे अकाउंट है, आप वहाँ जाओगे, जो भी आपका बैंक मैनेजर है उसे आप बोलोगे, यहाँ पे आपको साइन मुहर करके बैंक वाला आपको अच्छे से दे देगा और उसे आपको स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखना है। लास्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा। चाहो तो आप ECS फॉर्म को बाद में अपलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए जब सारा डॉक्यूमेंट आपका तैयार है तो आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें देखिए बताया गया है कि ओनली PDF और इमेज है वो JPG के फॉर्म में अपलोड करना है। उसके बाद 2 से 11 नंबर तक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है फॉर्म फिलअप करते समय, इसके बिना आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे जो साइज रखा गया है वो 200 KB या उससे कम होना चाहिए, और सीरियल नंबर 4 है वो नॉन मॉन्डेटरी है जनरल के लिए, यानी इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल के लिए मॉन्डेटरी नहीं है, वो चाहे तो छोड़ सकता है। यहाँ पे देखिए एक बात बताया गया है कि जो सारा डॉक्यूमेंट है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद अपलोड करना है, और जो मार्कशीट है वो आपको कॉलेज के प्रिंसिपल या हेड से अटेस्ट करवाना है, और साथ ही में आपको खुद से भी अटेस्ट करना है, उसके बाद में अपलोड करना। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कैसे करेंगे, तो आप चाहो तो उसका कलर प्रिंट करवा लो या फिर फोटोकॉपी करवा लो, उस पर आपको अपना साइन है वो कर देना है, लेकिन जो मार्कशीट होंगे उसको कॉलेज से भी साइन मोहर करवा लेना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए आपको पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपको आपके पास है तो आप यस करके यहाँ पैन नंबर फिलअप कर देंगे, और यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, फाइल सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में एडमिशन रिसिप्ट है, रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालिए, उसके बाद फाइल सेलेक्ट करके आप अपलोड कर दें। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट का इमेज है वो आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। नीचे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट है हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में है आप अपलोड कर दीजिए। एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है हिंदी या इंग्लिश में आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट है वो क्लास 10th का मार्कशीट आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में 12th का यहाँ पे चाहिए तो 12th का अपलोड कर दीजिए। अगर जो पीजी लेवल के स्टूडेंट हैं उनको ग्रेजुएशन का देना होगा तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, लेकिन जो यूजी वाले होंगे वो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कॉलेज से जो आप डिक्लेरेशन तैयार करवाए हैं वो अपलोड करना है, कॉलेज का आईडी कार्ड है आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेल्फ अंडरटेकिंग है वो आपने बनवाया है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फॉर्म का सबमिशन है वो आप कर सकते हैं, ईसीएस फॉर्म है, जब आपका बन करके आ जाएगा तो आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे 12 नंबर का जो पॉइंट है इसमें आप ईसीएस फॉर्म को नो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ रिमार्क्स में बिल अटैच स्कैन फॉर्म लेटर आप यहाँ पे फिलअप कर दें, उसके बाद में आप यहाँ पे अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही ये सारा डॉक्यूमेंट मैं अपलोड करूंगा ये फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। इसके बाद जब भी आपका ईसीएस फॉर्म बन करके आ जाएगा, जब भी बैंक से साइन मोहर हो जाएगा, तो आप बाद में ईसीएस फॉर्म है वो अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल के लिए आप सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है आपका 1 से 11 तक में जो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहा है वो सारा दे करके आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपके स्क्रीन पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो डिस्प्ले होगा, उसे आपको फोटो ले लेना है या फिर आपका स्क्रीनशॉट लेकर के उसे रख लेना है। अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिल पाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि जब आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पे मिलता है उसे आपको ध्यानपूर्वक अपने पास रखना है। फॉर्म फिलअप करने का कंप्लीट प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि बाद में ईसीएस फॉर्म है वो कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। बाद में ईसीएस फॉर्म अपलोड करना चाहते हैं तो ईसीएस फॉर्म अपलोड करने के लिए आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है, नीचे में आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है फॉर्म फिलअप करने के बाद वो डालोगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद फॉर्म में सिलेक्ट करके आप व्यू करेंगे तो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में जाना है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था वहाँ पे जा करके आप अपना ईसीएस फॉर्म है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर से अपडेट करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा, तो आप वो फॉर्म को अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों ये काम आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका लास्ट डेट खत्म नहीं हो जाता। लास्ट डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप ईसीएस फॉर्म को अपडेट नहीं कर सकते। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इस तरह का एक PDF है वो मिल जाएगा, इस पर आपका सारा डिटेल है वो रहेगा और इसमें आपको 5 से 6 पेज है वो सारा रहेगा। आपको इस पेज को PDF को अच्छे से रखे रहना है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको आगे काम आएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का। इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।